हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, धान क्रय तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आयुष्मान भारत की समीक्षा, कहा किसी के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं। हर स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र में 100 दिनों में उपलब्ध होगा शुद्ध पानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75,696 सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कहा आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित जिलों डार्क जोन वाले क्षेत्रों में पहुंचाएंगे शुद्ध पानी। उद्यमियों हस्तशिल्पियों को सीएम योगी ने दिया वर्चुअल बाजार का उपहार। मुख्यमंत्री ने किया देश के पहले ODOP वर्चुअल फेयर का उद्घाटन, कहा क्षेत्रीय खूबियों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए हर मदद करेगी सरकार। फिक्की चेयरपर्सन संगीत रेड्डी ने कहा हम साल भर जारी रखेंगे ये वर्चुअल फेयर। चौरीचौरा थाना क्षेत्र के बेलवा बाबू गांव में सड़क किनारे खेत में प्रॉपर्टी डीलर 42 वर्षीय इंद्रासन की गला रेत कर की गई हत्या, मिली लाश। रुपये के लेन देन में हत्या की जताई जा रही आशंका। CO चौरीचौरा ने कहा आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का जल्द किया जाएगा अनावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को किया जिले के 428 पंचायत भवन और 1305 सामुदायिक शौचालय का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास, कहा अब गांवों में ही उपलब्ध होगी सभी सुविधाएं, मिलेगा रोजगार। कैंट थाना क्षेत्र के बेतेहाता चौकी पर तैनात दरोगा अमित चतुर्वेदी की रंगबाजी CCTV में हुई कैद। SSP जोगेंद्र कुमार ने लिया संज्ञान, किया सस्पेंड, पूरे मामले की जाँच सौंपी SP क्राइम को। हरियाणा निर्मित अवैध शराब और स्मैक के साथ अंतर जनपदीय गिरोह के 6 तस्करों को पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। तस्करी में प्रयुक्त एक DCM और एक स्विफ्ट डिजायर कार पुलिस ने किया बरामद, तस्करों को भेजा जेल। SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने दी जानकारी। मंडलायुक्त जैन नालकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई COVID-19 के रोकथाम संबंधित बैठक। कॉन्टैक्ट टेस्टिंग बढ़ाने के दिए निर्देश, कहा रोका जाए कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा। प्राथमिक शिक्षा विभाग में चयनित शिक्षक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उमड़े CMO कार्यालय, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर शिक्षकों का बनाया गया मेडिकल सर्टिफिकेट। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत संचालित कौशल प्रशिक्षण को प्रभावी ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से कौशल सतरंग कार्यक्रम के तहत LED प्रचार वाहन को CDO ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक है ITI और कौशल विकास मिशन। SP क्राइम की अध्यक्षता में संपन्न हुई विशेष किशोर पुलिस इकाई व AHTU की बैठक। महिलाओं और बच्चों के सुरक्षा पर हुई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा खराब होती कानून व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। जिला चिकित्सालय गोरखपुर के न्यू OPD ब्लॉक में दिव्यांगों के लिए लगने वाले विकलांग बोर्ड में हुआ संशोधन, अब सोमवार की जगह सप्ताह के बृहस्पतिवार को लगेगा विकलांग बोर्ड, जिलाधिकारी के निर्देश पर हुआ संशोधन। तिवारीपुर थाने की पुलिस ने अवैध असलाह के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार, संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर भेजा जेल। CO कोतवाली VP सिंह ने दी जानकारी। गोरखपुर में सोमवार को मिले 67 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 18,114। अब तक 298 कोरोना संक्रमित गंवा चुके हैं अपनी जान, एक्टिव मरीज हुए 1331। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन गुरु गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने की माँ चंद्रा घंटा की आराधना, आरती के बाद वितरित हुआ प्रसाद। आगामी दशहरा पर्व पर आम जनमानस को सुरक्षित फलाहारी खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद राय व प्रतिमा त्रिपाठी की टीम ने सजनवा में मारा छापा, कार्रवाई के भय से पूरा मार्केट हुआ बंद, कहा आगे भी चलता रहेगा अभियान। और 7 महीने बाद खुले माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालय, स्कूलों में लौटी रौनक, लेकिन छात्रों की संख्या में रही कमी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत छात्र और शिक्षकों ने किया पठन पाठन का कार्य।